भाई तो क्या हाल चाल? पता नहीं, ये बार बार जो है पवन जो है ना, जो सचिन सर ने बताया था, पवन पवन, एक तो ऐसे और एक पवन। और अगर देखा जाए, अगर मैं उनकी तरह बोलूं, और मैंने सोचा भी था कि मैं जो है दीपक रावत, जो कि हरिद्वार के डीएम है, उनकी तरह बोलूं, तो इसमें तो बड़ी एनर्जी जाती है यार, बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है। और पवन की तरह बोलूं, हाँ, तो यूपीएससी से हट गया ना मैं, तो इतना आउटपुट नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। उसमें तो बस किताबें कंप्लीट हो रही हैं, इसमें मुझे नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, आधे पन्ने नोट्स बनाए, और मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। गेट बंद होते ही हवा बंद, और हवा बंद होते बेचैनी शुरू। पहले तो मैं गेट बंद करता था कि कोई आवाज सुन लेगा मेरी। चलो, आज हिंदी की बारी है। और मैंने एक और चीज देखी है इंग्लिश में कि लोग बड़ा स्लो बोलते हैं। वी थिंक दैट पीपल स्पीक फास्ट, बट नो, दे स्पीक वेरी स्लो। टुडे आई जस्ट स्क्रोलिंग द यूट्यूब, देन आई फाउंड द श्रुति, व्हाट वाज हर नेम, श्रुष्टि जयंत देशमुख, आई थिंक रैंक 6 ऑफ 2018। आई डिडंट ओपन बिकॉज ऑफ हर इंटरव्यू, आई ओपन बिकॉज व्हाई इज शी गिविंग नाउ, व्हाई Is she giving interview till now? Because 3 years back she has given the exam, and why the coaching institutes are ये देखो मेरी इंग्लिश का गजब है ना। चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए तो करता क्या है। आज मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो मैंने फोन खोला, मतलब एक ही किताब खोल के बैठा और हाईएस्ट 2 पन्ने पढ़े होंगे। मैंने किया क्या पूरे दिन में, मुझे ये नहीं पता। कल मैंने डेफिनेटली मैं भी देख ली, फालतू में तो नहीं, अब की बार हिंदी में देखी थी, और उस मूवी के बारे में ज्यादा बातचीत भी नहीं करूंगा। लेकिन जो मेरा देखने का नजरिया था ना, वो बिल्कुल बदल गया। अब मैं एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन की तरह देखता हूँ कि अच्छा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उनकी कंट्री में ये होता है। हमेशा दिमाग ऐसे चलता है, ये हमारी कंट्री में सबसे बढ़िया कैसे हो। और यूट्यूब खोलते ही पहले मैं स्क्रीन को छुपा लेता था, लेकिन अब स्क्रीन छुपती ही नहीं है। स्क्रीन को छुपा लेना मतलब कुछ कंटेंट ना दिखे जो मैं देखना चाहता हूँ, बस वो देख के मैं बंद कर दूँ यूट्यूब। और अब मुझे पता नहीं, अलग अलग चीजें याद आ रही हैं। अभी याद आया कि संदीप महेश्वरी कैसे इतने सारे लोगों के सामने इतना अच्छा बोल लेता है। उसको अवेयर रहना पड़ता है सारे टाइम कि उसकी आवाज बिल्कुल सही जा रही है या नहीं जा रही है। उसी हिसाब से फिर लोग उसकी बातें सुनते हैं, उसकी बात में दम होता है, बात में भी और आवाज में भी। आवाज में दम होगा तभी लोग सुनेंगे, तभी लोग एक जगह पर टिक सकेंगे। अगर आवाज में दम नहीं होगा तो ध्यान इधर उधर भटक जाएगा उनका। इसलिए आवाज में दम होना बहुत जरूरी है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये करते रहने का काम है। क्योंकि जब मैंने एक डीएम की वीडियो देखी थी, ए भगवान, इतने आराम आराम से बोल रही है, हमने ये किया, बिल्कुल जो वो होता है ना बॉडी पोस्चर, बिल्कुल ढीला ढाला, आवाज भी बिल्कुल ढीली ढाली, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है, स्ट्रेट बोलना है, जो बोलना है हमने वो किया। और 4 आदमी थे, वो आए, सारे ऐसे बोलना है। और मेन पर्पज मेरा, जो मेन मोटिव है बोलना, बोलने को ठीक करने का, वो लाइफ नहीं है। क्योंकि लाइफ में तो मैं सक्सेस कर जाऊंगा, चाहे हंसते हो ना हंसते हो, लेकिन उसमें नहीं कर पाऊंगा। उसमें अगर मुझे अपना बेस्ट देना है तो बोलने को ठीक करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यार आज क्या किया मैंने सही में, ए भगवान,
Without
गोल एफिशिएंसी डिस्ट्रॉयड, नहीं एफिशिएंसी डिस्ट्रॉय गोल, नहीं विदाउट गोल एफिशिएंसी डिस्ट्रॉय, ये ठीक है, बस समझना ही तो है। और इसमें मेरा गोल होना चाहिए कि आज मैं बिल्कुल नहीं हटलाऊंगा, ये भी गोल है। बिना गोल के गाड़ी इधर उधर भटक जाती है, ध्यान इधर उधर चला जाता है, ध्यान बिल्कुल एक जगह नहीं बने रहता, एक जगह जो टिक के रहना चाहिए, बिल्कुल अवेयर की जो स्टेट होती है, अवेयरनेस की स्टेट, वो नहीं रह पाती। हम इधर उधर कभी हल्का बोल लेते हैं, कभी भारी बोल लेते हैं, ये हो जाता है। तो गोल है क्या है, अभी गोल है कि अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, अच्छे से अच्छे तरीके से बोलो। और हिंदी में भी मुझे शायद व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, इसलिए नहीं कि हिंदी व्याकरण मेरी कमजोर है, इसलिए कि मेरा बोलना कमजोर है, जो शब्द हैं बहुत सारे शब्द, इसलिए मैं रात को इंग्लिश ऐसे हिंदी इंग्लिश इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी इंग्लिश ये पढ़ा करूँ। और बस पढ़ना ही काफी है, उस टाइम बस अवेयर रहो और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए मुझे सारे दिन का जो मेरा शेड्यूल होगा, पहले अभी मेरी बुक आ जाएंगी, ऐसे हिंदी में क्या करना है, कुछ नहीं करना, हिंदी तो आधा घंटा पढ़ ले भाई, वो भी बहुत है, एक घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जब एक घंटा पढ़ने बैठेंगे तो कभी ये काम, कभी वो काम, ये काम जो है ना ये छोड़ने पड़ेंगे। आज मैं फिर अपने आप को ज्ञान दे रहा हूँ, पता है सब बकवास है, लेकिन भाई कुछ तो करना है ना। और हाँ, मैं हर दम यही सोचते रहता था कि यार IAS में क्यों बनूं, क्योंकि जब भी पढ़ाई करते हैं और अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर जाता है और फिर लगाने की कोशिश करते हैं, उस टाइम कुछ तो होना चाहिए ना, जिसको सोच के, जिसको माइंड में बोल के, जिसको देख के कि हाँ भाई करना है। बार बार यूट्यूब नहीं देख सकते, बार बार इंटरव्यू नहीं देख सकते, वो एक लाइन या कुछ भी, एक बात हो, कुछ एक कोई याद हो, कुछ भी जिससे मोटिवेट हो। तो मैं बार बार उसे ढूंढते रहता था, ढूंढते रहता था। तो एक बार मैं एक कंक्लूजन में भी पहुंचा था कि ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती कि जो हमेशा तुम्हें मोटिवेट करे। तो यही एक बात हो जाएगी, पहले मैं ऐसा सोचता था कि यही एक बात है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके अब ये आया, पता नहीं आगे चेंज होगा नहीं होगा, कि यूपी अगर यूपीएससी नहीं करी तो क्या, अगर यूपीएससी नहीं करी तो मैं भाई बैंक SSC स्टेट में तो मुश्किल है, इन सब में जाऊंगा। और अगर मैं इन सब में चला गया, उत्तरी दो गाड़ियां आई हैं बढ़िया बढ़िया, अबे ये तो ट्रेनिंग की है, SPG वेस्पीजी क्या लिखा हुआ है पता नहीं। हाँ तो अगर मैंने ओहो बढ़िया बढ़िया गाड़ी है भे, उत्तरी हैवी हैवी गाड़ी है, ठीक है। ये देखो ध्यान ऐसे हटता है चीजों से, मैं अपनी बालकनी से बाहर देखने लग गया, गेट से बाहर मतलब बालकनी है उधर। हाँ तो क्या बोल रहा था, हाँ तो वो बात क्या आई मेरे पास कि जो है उत्तरी कोई गाड़ी, उत्तरी खतरनाक, इतनी हैवी गाड़ी कौन सी है, फॉर्चुनर है, फॉर्चुनर ही लग रही है मुझे ब्लैक कलर की, ये देखो। हाँ तो एक और बात क्या आई कि मैं इन सब में जाऊंगा जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं। और मैंने एक और चीज पढ़ी थी, और अगर मैं नहीं पढ़ता तो मुझे पता नहीं होता। और पढ़ने से क्या होता है, तुम जितनी तुम नॉलेज गेन करते चले जाओगे, सही तरह की नॉलेज, सही तरह की नॉलेज। और एक ये हटाने का मुझे एक और चीज पता लगा, पवन, पवन अच्छा अगर मैं लिखूंगा यू डोंट हैव टू बी टेंस योरसेल्फ, तो उसमें और ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है पवन, इसमें बहुत अंतर है। पवन से देखते मैं अगर पवन बोलता हूँ सब ध्यान आ जाता है कि बेटा टेंस नहीं होना, आराम से शब्द को धक्का नहीं देना है, आराम से निकालना है पवन, ठीक है। तो वो क्या बात आई, वो बात आई मेरे को कि अगर मैं उन सब में चला गया जो सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, और ये जो IAS है ये गोल्ड कॉलर जॉब है, ये बात भी मुझे स्टिविक्स में
थी मेरे हिसाब से, तो अलग अलग होती है, ब्लैक कॉलर जॉब्स, रेड कॉलर जॉब्स, मैं कॉलर बोलता हूँ, ब्लैक कॉलर जॉब्स, रेड कॉलर जॉब्स, पिंक कॉलर जॉब्स भी होती है। और फिर बुक में तो शायद दो तीन ही दे रखी थी, फिर मैंने इंटरनेट में भी लिखा था, क्योंकि आलतू फालतू चीजें अट्रैक्ट करती है। तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ ये स्किल, तो फिर मैंने देखा कि जब मैं ये व्हाइट कॉलर जॉब्स में जाऊंगा, बैंक में, SSC में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या और भी बहुत सारी जो दिल्ली गवर्नमेंट की भी DLC, पता नहीं क्या है वो, हाँ तो जो भी छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब है, तो उनमें क्या होगा, तो उनमें मैं बहुत सारी चीजें देखूंगा, मैं उनमें बहुत सारी चीजें देखूंगा कि रोड टूट रखे हैं, पानी फैल रहा है, सीवेज सिस्टम खराब है, नाली भरी हुई है, किसी को कोई परवाह नहीं है, ये जल बोर्ड को कोई परवाह नहीं है। तो उधर मेरे में आएगा कि भाई मौका था, अगर तू IAS बनता तो तेरे यहाँ पर भी तेरी ड्यूटी लगती, तो अपना काम अच्छी तरह करता, तो तू दुखी नहीं होता। और अगर मैं अपने गांव वगैरह अपने डिस्ट्रिक्ट में भी जाऊंगा कभी, अभी नहीं जाता लेकिन बड़े होके तो आना जाना रहेगा ही, नॉर्मली साल में एक दो बार तीन बार, तो उस टाइम भी मैं आवाज उठा सकूंगा, क्योंकि उस टाइम ये पता होंगे रूल्स रेगुलेशन वगैरह, क्योंकि मैं उसी फील्ड में होऊंगा। तो ये पहली बात आई कि भाई अगर मैं व्हाइट कॉलर जॉब्स में चला भी गया, तो मैं अपने आप को जिंदगी भर शायद कोसूंगा, और मैं ये बात बोल बोल के मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि बाई चांस नहीं हुआ तो और रोएगा, ये रिकॉर्डिंग सुन के और रोएगा। सही में भाई मुझे लग रहा है कि मैं उस टाइम जब रोऊंगा तो सोचूंगा कि मैं उस टाइम हवा में ही बोल रहा था, लेकिन बात बड़ी काम की बोल रहा था मैं, कोई है क्या, हवा से गेट खुल गया, ठीक है, तो मैं बात बड़ी काम की बोलता हूँ लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो आज का टाइटल वगैरह तो IAS से रिलेटेड ही रखना पड़ेगा, YIAS या कुछ, अगर कुछ थंबनेल मिला तो, और बोलना तो सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जिस फील्ड में तो जाना चाहता है उसमें बोलना मस्ट है भाई, लोगों से डील करेगा तो बोलेगा तो सही, और बढ़िया बोलना है कि लोग सुने बातें, बढ़िया तरीके से बोलना, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने में मजा है भाई, मजा ढूंढ पढ़ने में, जिस दिन मजा आने लग गया ना पढ़ने में, हिंदी पढ़ इंग्लिश पढ़ जो मन कर रहा है वो पढ़ना, कौन रोक रहा है। तो एक घंटा हिंदी, एक घंटा हिंदी में कितना टाइम लगेगा, पढ़ते या किसने रोका है पढ़ने के लिए, मेरे हिसाब से दो बुक है मेरे पास हिंदी व्याकरण की, मेरे हिसाब से मेरे पास दो बुक है हिंदी व्याकरण की, दोनों को चार डालूंगा, इंग्लिश में भी जो है उनको भी चार डालूंगा। तो हर दिन एक घंटा ही तो देना है, हम मूवीज देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो लेकिन ये होगा जब मैं शेड्यूल बनाऊंगा। तो पहली बात जो मुझे अभी याद आई कि मुझे अपने फोन में लिखना है, जो मैंने सोचा था अगर मैं फटाफट याद कर सकता हूँ तो क्या सोचा था मैंने, कि विदाउट गोल एफिशिएंसी डिस्ट्रॉय, या ऐसे भी लिख सकते हैं एफिशिएंसी इनफेक्टिव, नहीं वैसे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बेहतर, ये जो शब्द है बेहतर, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो तुझे नहीं पता, जैसे मेरा भाई मुझे महाभारत देख देख के अनुज बुराने लग गया ना मुझे,